पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की तीन महिलाओं ने से एक टीएमसी नेता के खिलाफ रेप का केस वापस ले लिया है। इस मामले में बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। उत्तर 24 परगना जिले के शाहजहां शेख का आरोप था कि उनमें कई मामलों का यौन उत्पीड़न किया गया है और उनकी जमीनों पर कब्जा किया है। इस मामले पर भाजपा के टीएमसी को जमकर घेरा, यही नहीं लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में एक महिला का यू टर्न लेना चौंकाने वाला है। महिला ने कहा कि मेरा यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने कहा कि मुझे भाजपा के लोगों के सादे कागज पर साइन कराए गए थे और पुलिस को शिकायत कर दी गई थी। यही नहीं, शिकायत वापस लेने वाली महिला ने संदेश खाली पुलिस थाने में एक केस भी दर्ज कराया है। इस FIR में उसने आरोप लगाया कि उसे धमकियां मिल रही हैं और सामाजिक बहिष्कार की स्थिति है क्योंकि वह अपनी शिकायत वापस ले रही है। महिला ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला मोर्चा की एक स्थानीय नेता और अन्य कुछ सदस्य उनके घर आए थे। इन लोगों ने उससे एक जगह साइन कराए थे और उसके बाद फर्जी शिकायत थाने में दी थी। महिला ने अखबार से बातचीत में कहा कि उन लोगों ने मेरे साइन लिए और कहा कि आपको PM आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद वह मुझे पुलिस थाने ले गए और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। महिला ने शिकायत को गलत बताते हुए केस वापस ले लिया है। उसने कहा कि मेरे साथ TMC के दफ्तर में कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, मुझे पार्टी के दफ्तर में देर रात जाने के लिए बाध्य नहीं किया गया। वहीं इस मामले में अब TMC को भाजपा पर हमले का मौका दे दिया गया है। राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पंजा ने कहा कि जो महिलाएं शिकायत वापस ले रही हैं उन्हें अंजाम भुगतने की धमकियां भाजपा वाले दे रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को भाजपा ने ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और जब अब शिकायत वापस लेने पर महिलाओं को धमकियां दी जा रही हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।